सभी मित्रों को जय श्री राम। मैं आपको अपराजिता देवी के बारे में संपूर्ण जानकारी और मां की साधना के बारे में बता रहा हूं, तो कृपया आप ध्यान से सुने। अपराजिता का अर्थ है जो कभी पराजित नहीं होता। देवी अपराजिता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जानने योग्य है, जैसे कि उनकी मूल प्रकृति क्या है। देवी अपराजिता के पूजनारंभ तब से हुआ जब देवासुर संग्राम के दौरान नवदुर्गाओं ने जब दानवों के संपूर्ण वंश का नाश कर दिया, तब माँ दुर्गा अपनी मूल पीठ शक्तियों में से अपनी आदि शक्ति अपराजिता को पूजने के लिए शमी की घास लेकर हिमालय में अंतर्ध्यान हुई। क्रमशः बाद में आर्यावर्त के राजाओं ने विजय पर्व के रूप में विजयदशमी की स्थापना की, जो कि नवरात्रों के बाद प्रचलन में आई। स्मरण रहे कि उस वक्त की विजयदशमी मूलतः देवताओं द्वारा दानवों पर विजय प्राप्त के उपलक्ष्य में थी। स्वाभाविक रूप से नवरात्र के दशवें दिन ही विजयदशमी मनाने की परंपरा चली। इसके पश्चात पुनः जब त्रेता युग में रावण के अत्याचारों से पृथ्वी एवं देव दानव सभी त्रस्त हुए, तो पुनः पुरुषोत्तम राम द्वारा दशहरे के दिन रावण का अंत किया गया, जो एक बार पुनः विजयादशमी के रूप सामने आया और इसके साथ ही एक सोपान और जुड़ गया दशमी के साथ। अगर यह कहा जाए कि विजयदशमी और देवी अपराजिता का संबंध बहुत हद तक क्षत्रिय राजाओं के साथ ज्यादा गहरा और अनुकूल है, तो संभवतः कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, किंतु इसे किसी पूर्वधारणा की तरह नहीं स्वीकार करना चाहिए कि अपराजिता क्षत्रियों की देवी है और अन्य वर्ण के लोग इनकी साधना आराधना नहीं कर सकते। बहुत से स्थलों में देवी अपराजिता के संबंध में विभिन्न कथाएं और विधियां मिल जाती हैं, लेकिन उनमें मूल भेद बहुत परिलक्षित होते हैं। अस्तु उनका साधन करने से पूर्व किसी जानकार व्यक्ति से सलाह अवश्य ही कर लेनी चाहिए, जिससे अशुद्धियों और गलतियों से कुछ हद तक छुटकारा पाया जा सके। हालांकि शत प्रतिशत शुद्धता ला पाना सर्वसाधारण के वश की बात नहीं है, किंतु अल्प अशुद्धियां सफलता के मापदंडों को बढ़ा ही देती है। साथ ही भावयुक्त साधना भी अशुद्धियों को तिरस्कृत कर देती है, जिससे अधिक अच्छे परिणाम मिल ही जाते हैं। देवी अपराजिता शक्ति की 9 पीठ शक्तियों में से एक है, जिनका क्रम निम्न प्रकार है, एवं जया और विजया से संबंधित बहुत सी कथाएं भी प्रचलित हैं, जो देवी पार्वती की बहुत ही अभिन्न सखियों के रूप में जानी जाती है। शक्ति की बहुत ही संहारकारी शक्ति है अपराजिता, जो कभी अपराजित नहीं हो सकती और ना ही अपने साधकों को कभी पराजय का मुख देखने देती है। विषम परिस्थिति में जब सभी रास्ते बंद हो, उस स्थिति में भी हंसी खेल में अपने साधक को बचा ले जाना बहुत मामूली बात है अपराजिता के लिए। जया, विजया, अजिता, अपराजिता, विलासिनी, दोमर्ध्य, अघोरा, मंगला, नित्या। अपराजिता की साधना के संबंध में धर्मसिंधु जो वर्णन है वह निम्न प्रकार है। धर्मसिंधु में अपराजिता की पूजन की विधि संक्षेप में इस प्रकार है। अपराह में गांव के उत्तर पूर्व जाना चाहिए। एक स्वच्छ स्थल पर गोबर से लीप देना चाहिए। चंदन से 8 कोनों का एक चित्र खींच देना चाहिए। उसके पश्चात संकल्प करना चाहिए, मम सकुटुम्बस्य करिष्ये, राजा के लिए विहित संकल्प अग्र प्रकार है, मम सकुटुम्बस्य यात्रायां करिष्ये। इसके उपरांत उस चित्र आकृति के बीच में अपराजिता का आवाहन करना चाहिए और इसी प्रकार उसके दाहिने एवं बाएं जया एवं विजया का आवाहन करना चाहिए, और साथ ही क्रियाशक्ति को नमस्कार एवं उमा को नमस्कार कहना चाहिए। इसके उपरांत अपराजिताये नमः, जयाये नमः, विजयाये नमः मंत्रों के साथ अपराजिता, जया, विजया की पूजा 16 उपचारों के साथ करनी चाहिए और यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी, यथाशक्ति जो पूजा मैंने अपनी रक्षा के लिए की है उसे स्वीकार कर आप अपने स्थान को गमन करें, जिससे कि मैं अगली बार पुनः आपका आवाहन और पूजन वंदन कर सकूं। राजा के लिए इसमें कुछ अंतर है। राजा को विजय के लिए ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, वह पराजिता जिसने कंठहार पहन रखा है, जिसने चमकदार सोने की मेखला करधनी पहन रखी है, जो अच्छा करने की इच्छा रखती है, मुझे विजय दे। इसके उपरांत उसे उपर्युक्त प्रार्थना करके विसर्जन करना चाहिए। तब सबको गांव के बाहर उत्तर पूर्व में उगे शमी वृक्ष की ओर जाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। शमी की पूजा के पूर्व या उपरांत लोगों को सीमोल्लंघन करना चाहिए। कुछ लोगों के मत से विजयादशमी के अवसर पर राम और सीता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसी दिन राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। राजा के द्वारा की जाने वाली पूजा का विस्तार से वर्णन हेमाद्री तिथि तत्व में वर्णित है। निर्णय सिंधु एवं धर्म सिंधु में शमी पूजन के कुछ विस्तार मिलते हैं। यदि शमी वृक्ष न हो तो अश्वंतक वृक्ष की पूजा की जानी चाहिए। अस्तु मेरे अपने हिसाब से देवी अपराजिता का पूजन शक्ति क्रम में ही किया जाना चाहिए, ठीक जैसे अन्य शक्ति साधनाएं संपन्न की जाती हैं। प्रथम गुरु पूजन, द्वितीय गणपति पूजन, भैरव पूजन, देवी पूजन। अपनी सुविधानुसार पंचोपचार, षोडशोपचार इत्यादि से पूजन संपन्न करें। मंत्र जप, स्तोत्र जप आदि संपन्न करें और अंत में होम विधि संपन्न करें।
मंत्र जप मंत्रों के संबंध में बहुधा भ्रम की स्थिति रहती है, क्योंकि यदि आपने थोड़ा सा भी अध्ययन और खोज आदि पूर्व में की है तो उस स्थिति में बहुत से मंत्र ऐसे होते हैं जो आपकी जानकारी से बाहर के होते हैं, अर्थात कई बार उनके बीज भिन्न हो सकते हैं और कई बार मंत्र विन्यास भिन्न हो सकता है, तो इस दशा में सीमित ज्ञान आपको भ्रमित कर देता है। अस्तु सभी मित्रों को मेरी एक ही सलाह है कि शक्ति मंत्रों में यदि ह्री क्ली क्री श्री आदि आते हैं तो उन मंत्रों को भेदात्मक दृष्टि से ना देखें, क्योंकि एक परम आद्या शक्ति के तीन भेद भक्तों के हितार्थ बने, जिन्हें त्रिशक्ति के नाम से भी जाना जाता है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। अन्य शक्ति भेद अथवा क्रम इन्हीं तीन मूलों से निसृत है। अस्तु समस्त मंत्र आदि इन्हीं कुछ मूल बीजों के आसपास घूमते हैं। इसके अतिरिक्त इस बात पर मंत्र विन्यास निर्भर करता है कि जिस भी मंत्र वेत्ता ने उस मंत्र का निर्माण किया होगा उस समय वास्तव में उनका दृष्टिकोण और आवश्यकता क्या रही होगी। हालांकि यह सब बातें तो बहुत दूर की और लंबी सोच की हैं। अस्तु ज्यादा न भटकते हुए बस इतना ही कहूंगा कि यदि कभी भी मंत्रों का संसार समझ में न आए तो सबसे आसान उपाय है कि उस देवता या देवी के गायत्री मंत्र का प्रयोग करें। यथा ओम सर्व विजयेश्वरी विद्महे शक्ति धीमहि अपराजिताये प्रचोदयात्। अपनी सामर्थ्यानुसार उपरोक्त गायत्री का जप करें और देवी अपराजिता का वरदहस्त प्राप्त करें। देवी आपको सदा अजेय और संपन्न रखे, यही मेरी कामना है। अत श्री अपराजिता स्तोत्र। ओम नमो प्राजिताये। ओम अस्या वैष्णव्याः पराया अजिताया महाविद्याया वामदेव बृहस्पति माकिंडेय ऋषय गायत्र्युष्णे गनुष्टु बृहति छंदांसी श्री लक्ष्मी नरसिंहो देवता। ओम क्ली श्रीं ह्री बीजम शक्ति सकल कामना सिद्ध्यर्थम अपराजित विद्या मंत्र पाठे विनियोग ध्यान। ओम निलोत्पल दलश्यामा भुगंगा भरणान्विताम शुद्ध स्फटिक अस्नकाशा चंद्र कोटि निभान नाम एक शंख चक्रधरा देवी वैष्णवीं पराजिताम बालेन्द्रशेखरा देवी वरदाभयदायिनीम दो नमस्कृत्य पपाठना माकंडेयो महात्पा तीन माकंडेय उवाच श्रृणुष्व मुनयः सवे सर्वकामार्थ सिद्धिदाम असिद्ध साधनी देवी वैष्णवीं पराजिताम चार ओम नमो नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय नमोस्त्वनंताय सहस्रशीर्षायने शिरोदार्णवशायने शेषभोग पर्यंकाय गरुडवाहनाय अमोघाय अजाय अजिताय पीतवास्से ओम वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध हयग्रीव मत्स्य कूर्मम वराह नरसिंह अच्युत वामन त्रिविक्रम श्रीधर राम 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 वरद वरद वरदो भव नमोस्तुते नमोस्तुते स्वाहा। ओम असुर दैत्य यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच कुष्मान सिद्ध योगिनी डाकिनी शाकिनी स्कंद ग्रहान उपग्रहान नक्षत्र ग्रहान चान्या हन हन पच पच मत मत विद्वंसय विद्वंसय विद्रवय विद्रवय चूर्णय चूर्णय शंखेन चक्रेन वज्रेन शूलेन गदया मुसलेन हलेन भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम सहस्र बाहो सहस्र प्रहरणायुध जय जय विजय विजय अजित अमित अपराजित अप्रतिहत सहस्र नेत्र ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल विश्वरूप बहुरूप मधुसूदन महावराह महापुरुष वैकुंठ नारायण पद्मनाभ गोविंद दामोदर ऋषिकेश केशव सर्वासुरोत्साधन सर्वभूतवशंकर सर्वदुः स्वप्न प्रभेदन सर्वयंत्र प्रभंजन सर्वनाग विमर्दन सर्वदेव महेश्वर सर्वबंध विमोक्षन सर्वाहित प्रमर्दन सर्वज्व प्रणाशन सर्वग्रह निवारण सर्व पाप प्रश्मन जनार्दन नमोस्तु स्वाहा। विष्णुरियमनु प्रोक्ता सर्वकाम फलप्रदा सर्व सौभाग्य जननी सर्वभीति विनाशिनी पांच सर्वेंश्च पठिता सिद्धिर विष्णः परम वल्लभा नानया सदृशं किंचित दुष्टाना नाशनम परम छह विद्या रहस्या कथिता वैष्णवेशा प्राजिता पठनीय प्रशस्ता वा साक्षात सत्व गुणाश्रया सात ओम शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोप शांतये आठ अथातन संप्रवक्ष्यामि ह्यभयाम पराजिताम या शक्तिर्माम की वत्स रजोगुणमयी मता नौ सर्वसत्वमयी साक्षात सर्व मंत्रमयी चया या स्मृता पूजिता जपता न्यस्ता कर्मणि योजिता सर्वकाम दुधा वत्स श्रीनुष्वेता ब्रवीमीते दस य इमाम पराजिता परम वैष्णवीं प्रतिहता पठति सिद्धा स्मरति सिद्धा महाविद्या जपति पठति श्रृणोति स्मरति धारयति कीर्तयति वा न तस्याग्निवायु वज्रोप्लश्न वर्षभयम् न समुद्रभयम् न ग्रहभयम् न चौरभयम् न शत्रुभयम् न शापभयम् वा भवेत् क्वचिद्रात्र्यंधकार स्त्रीराजकुल विद्वेशी विषगर गर्दवशीकरण विद्वेशनोचाटन वधबंधन भयम् वा न भवेत् एतन्मन्त्रैरुदाहृतः सिद्धैः संसिद्ध पूजितः ओम नमोस्तुते।
अभये अंघे अजते अमिते अमृते अप्रे अपराजिते पटति सिद्धे जयति सिद्धे स्मरति सिद्धे एकोनाशीते तमे एकाकिनी निश्चेतसी सुद्रुमे सुगंधे एकान्नशे उमे ध्रुवे अरुंधति गायत्री सावित्री जातवेत्सी मानस्तोके सरस्वती धरणी धारणी सौदामिनी अदिति दिति विन्ते गौरी गांधारी मातंगी कृष्णे यशोदे सत्यवादिनी ब्रह्मवादिनी काली कपालिनी करालनेत्रे भद्रे निद्रे सत्योपयाचन करी स्थलगत जलगत अंतरिक्षगत वा मार्ग सर्वोपद्रवेभ्यः स्वाहा।